दोस्तों आप लोग लाइव प्रूफ के साथ देख सकते हैं कि मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे बोनसेस का जो ऑप्शन है मेरे को मिल चुका है। और गैस आप लोगों को अभी तक बोनसेस का ऑप्शन नहीं मिला है तो आप लोगों को कैसे मिलेगा आगे इसी वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहिए। सो हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि गाइस आप लोग के भी इंस्टाग्राम अकाउंट पे जो बोनसेस का ऑप्शन है वो नहीं मिला है, या फिर आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उस पे जो बोनसेस का ऑप्शन है नहीं इनेबल हुआ है। तो गाइस इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि आप लोग जो है बोनसेस का ऑप्शन जो है आपको कैसे मिलेगा, या फिर इनेबल नहीं हुआ है तो उससे आप लोग जो है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कैसे इनेबल कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में आप लोग को यही बताने वाला हूँ। और गाइस यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूँ कि काफ़ी सारे लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन है कि मेरा जो फॉलोअर है काफी ज्यादा कम है, यानी कि मेरा फॉलोअर 100 है, 500 है, या फिर 1000 है, या फिर 2000 है, तो क्या मेरे को जो है बोनसेस का ऑप्शन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो गाइस यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि आपका जो फॉलोअर है कम है या फिर ज्यादा है, यह चीजें यहाँ पे बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। ये चीजें जो है हर एक लोगों को मिलेगा, यानी कि बोनसेस का जो ऑप्शन है सारे लोगों को मिलने वाला है। तो कैसे आप लोगों को मिलेगा आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो गाइस आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए, वीडियो गाइस काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोग के लिए। और गाइस आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे आप लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले जो है उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। और गाइस आप लोग अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम आपको यहाँ स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा, या फिर गाइस इसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे बोनसेस का जो ऑप्शन है उसको इनेबल करने के लिए सबसे पहले गाइस आपको क्या करना है, सिंपली से आपको जो अपने फोन के अंदर प्ले स्टोर एप्लीकेशन इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे सर्च करना है इंस्टाग्राम, ठीक है। जैसे ही आप लोग इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को यहाँ पे सर्च करेंगे, ठीक है, तो अगर आपका जो एप्लीकेशन यहाँ पे अपडेट मांग रहा है तो सिंपल से आपको क्या करना है, अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको आपको अपडेट कर लेना है। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, आप लोग गाइस यहाँ पे देख सकते हैं नीचे के साइड में, आप लोग यहां देख सकते हैं नीचे एक साइड में लिखा हुआ है ज्वाइन द बीटा, ठीक है, और इसके नीचे में आप लोग देख सकते हैं यहां पे लिखा है ज्वाइन, यहां पे ग्रीन कलर में देख सकते हैं ज्वाइन लिखा हुआ है। तो सिंपली से आपको क्या करना है गाइस, आपको ज्वाइन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ज्वाइन और कैंसिल लिखा हुआ है, ज्वाइन वाला ऑप्शन पे फिर से आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है गाइस, तो आपका क्या हुआ कि जो आपका जो इंस्टाग्राम एप्लीकेशन है बीटा के अंदर आपका जो है ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, यहाँ से आपको बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद गाइस आपको क्या करना है, सिंपल से आपको जो है अपना इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को जो है ओपन कर लेना है। तो चलिए यहाँ से मैं अपना इंस्टाग्राम जो एप्लीकेशन है इसको यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको जो है सिंपल से जो है आप लोग देख सकते हैं नीचे के साइड में आपका जो है यहाँ पे अकाउंट है उसका प्रोफाइल पिक्चर दिखाई देगा, सिंपली से आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अगेन आप देख सकते हैं ऊपर के साइड में यहाँ पे जो है थ्री लाइन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ओके, इस पर क्लिक करने के बाद फिर से आपको जो सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऊपर के साइड में, यहाँ पे क्लिक करना है। अगेन आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंट, अकाउंट वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे गाइस आपको करना यह है कि गाइस आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है अगर पर्सनल अकाउंट में है तो उसको गाइस आपको क्या करना है, स्विच कर लेना है प्रोफेशनल अकाउंट में, ठीक है। चलिए यहाँ से मैं प्रोफेशनल अकाउंट में स्विच करके आपको बता देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, सिंपल से आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से जो है ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को क्या करना है गाइस, आप लोग देख सकते हैं नीचे के साइड में यहाँ पे लिखा हुआ है कंटिन्यू, कंटिन्यू के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, फिर से कंटिन्यू करना है, ठीक है। इस तरीके से कंटिन्यू करते रहना है। जैसे ही आप करेंगे कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पे ऑप्शन खुल के आ जाएगा, ठीक है। और आप लोग क्या करना है यहाँ पे गाइस, यहाँ पे आपको दो ही ऑप्शन चूज करना है, या तो आपको डिजिटल क्रिएटर चूज करना है, या फिर आपको जो है एक ऑप्शन आपको और देखने को मिलेगा वीडियो क्रिएटर, ठीक है, आपको नीचे के साइड में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। दो ही ऑप्शन को अगर आप लोग चूज करेंगे, ठीक है, तो आपको जल्दी से जो है ऑप्शन मिल जाएगा, आपको जो है बोनसेस का जो है बोनस का ऑप्शन है वो जल्दी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ वीडियो क्रिएटर, ठीक है, और यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, ऊपर के साइड में इसको आप ऑन करना चाहते हैं तो ऑन कर सकते हैं, इसको मैं यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, नीचे के साइड में आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ डन, डन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पे मैं डन पे क्लिक कर दिया, फिर ओके पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं ओके कर दिया, ठीक है। ओके करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे लोडिंग लेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा लोडिंग ले रहा है, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लोडिंग लेता है थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद आपका जो अकाउंट है यहाँ पे जो है प्रोफेशनल अकाउंट में स्विच हो जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं,
ठीक है, मेरा यहाँ पे स्विच हो चुका है और इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। तो गाइस आपको क्या करना है, सिंपल से आप जो भी यहाँ से चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लिया है क्रिएटर वाला ऑप्शन पे, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे के साइड में देख सकते हैं नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से आएगा, फिर आपको जो है ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ओके कर देना है। तो चलिए यहाँ पे मैं ओके कर दिया, फिर यहाँ पे जो है मैं नॉट नाउ पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। आप लोगों को भी नॉट नाउ पे क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पे मैंने नॉट नाउ कर दिया, ठीक है, और मेरा जो अकाउंट है यहाँ पे फाइनली जो है प्रोफेशनल अकाउंट में स्विच हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको इतना ही बस करना है, ठीक है। और आपका जो बोनस का जो ऑप्शन है नहीं मिला है तो कुछ ही देर में आपको बस इतना ही करना है और आपको कुछ ही देर के बाद आपको यहाँ पे जो है बोनसेस का जो ऑप्शन है आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपका फॉलोअर कम है या फिर ज़्यादा ये मैटर नहीं करता है, लेकिन गाइस यहाँ पे एक कंडीशन है कि आपको जो आईडी है आपको रेगुलर यूज करना है, ठीक है। पर डे आपको यहाँ पे रेगुलर यूज करना है और यहाँ पे पोस्ट भी आपको डालते रहना है, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई भी रील्स वीडियो नहीं डाला हूँ, आप लोग देख सकते हैं, और कोई भी यहाँ पे मैं पिक भी नहीं डाला हूँ। तो आपको जो है पर डे रील्स को अपलोड करना है और पर डे यहाँ पे पोस्ट को आपको जो है अपलोड करना है। आप लोग पर डे जैसे ही 2-3 दिन अपलोड करेंगे तो आपका जो है बोनसेस का जो ऑप्शन है आप लोग के आईडी पे मिल जाएगा।